दोस्तों कैसे हो आप? दोस्तों हमारे पास FZ आई हुई है, जिसके मेन स्टैंड में जो बुश लगता है वो लगा नहीं हुआ है, और जो मेन स्टैंड लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर ये किसी ने इसके अंदर ये बोर्ड लगा दिया है पतला, और इसके अंदर एक बुश लगता है वो भी नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों इसलिए ये मेन स्टैंड लगने में भी दिक्कत आ रही थी। तो दोस्तों हमें इसके अंदर बुश लेने के लिए गए, कंपनी तो मिला नहीं है बुश। तो इसमें कौन सी गाड़ी का बुश आसानी से लग जाता है वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इस बोल्ट को खोल लेते हैं, और बोल्ट को खोलने के बाद इसको दिखाते हैं कौन सा बोल्ट लगा हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए, ये नट लगा दिया है, यहाँ ये बुश लगा नहीं है। तो दोस्तों ये एक्टिवा के अगले वाले शॉकर के बुश हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मार्केट के अंदर बड़े आसानी से मिल जाते हैं, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं ये। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला बुश नहीं मिलता है तो आप ये लगा सकते हैं एक्टिवा के अगले वाले शॉकर के बुश। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये सेम होता है, बिल्कुल उसी के साइज़ का होता है दोस्तों, इसलिए हम इसे लगा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बड़े आसानी से इसके अंदर लग गया, बिल्कुल फिक्स आया हुआ है, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं आ रही। और दोस्तों ये पुराना वोल्ट हम पे रखा हुआ है साइड स्टैंड का, तो ये साइड स्टैंड का वोल्ट है दोस्तों, ये इसका वोल्ट भी लग गया। और पीछे से हम इसके अंदर नट लगा देते हैं। तो दोस्तों कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये दोनों सेटिंगें इसकी एकदम एक्यूरेट हैं, और ये वो बोल्ट हैं जो आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। एक्टिवा का साइड स्टैंड का बोल्ट है दोस्तों ये, और एक्टिवा के अगले शॉकर का बुश है। तो दोस्तों बड़ी आसानी से ये मिल जाता है आपको। अगर ये यामा के नाम से नहीं मिलता है तो आप ये लगा सकते हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।